इसका व्हील जाम हो रहा है, व्हील जाम हो रहा, 40,000 किलोमीटर चला के हूँ गाड़ी में, अभी बेरिंग का फॉल्ट है, बेरिंग का क्या फॉल्ट है देखेंगे, ठीक है। वो पिछले वीडियो में टायर बदलाया था वो दिखा रहा हूँ मैं फिर से, ठीक है। इसका बेरिंग का नहीं देखा था, अभी दिखा रहा हूँ, देख लीजिए दो कितना स्टक हो रहा बेरिंग, ठीक है। ये बेरिंग है ना बहुत ही स्टक हो रहा, इस ये कैसा करना, तो ये आयल सील आता, ये आयल सील कर लेना आपको, ठीक है। और पिछला वाला भी आयल सील आता, इसका भी दबा, ये आराम से करना, फिर आयल सील नहीं मिलेगा, डाल के जस्ट पुश करना स्कूटर, आराम से करना, भिंड होता है थोड़ा बहुत, सीधा कर लेंगे वो, देखे आ गया। ये भी स्टक हो रहा, अच्छा रहा तो ग्रीसिंग करके डालेंगे, अगर जाके रहा तो बदलेंगे, दो बेरिंग आता, ठीक है, ये बेरिंग काटेंगे। देखिए दोस्तों लेफ्ट साइड में दो बेरिंग आता, आपको लेफ्ट साइड की तरफ नहीं मारना चाहिए, राइट साइड के मारने से इधर दो बेरिंग आने से बहुत दिक्कत होगी, इधर से मारने से एक बेरिंग जल्दी निकल जाएगी, इसको बेरिंग के बराबर राड होना चाहिए, ठीक है, बराबर इसके अंदर जाना, देखो ऐसा जाना, ठीक है। देखिए आ गया, इजी से आ गया, देखिए आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, इधर दो बेरिंग है, आपको इधर से नहीं ठोकना चाहिए, राइट साइड से लेफ्ट साइड से मारना चाहिए, जब एक बेरिंग आपको इजी से निकल जाएगा, ठीक है। अभी इधर का दो बेरिंग काटने का है, अभी हम इसको दो बेरिंग काटना पड़ेगा, ये काट लेंगे, जो होता जाए देखा जाएगा, क्यों बोलते हमको काम इम्पोर्टेंट है, अपोजिट 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 का मतलब मालूम होता है, इधर एक बार मारना अपोजिट का मतलब, ठीक है। आ गया, दोनों भी आ गया, ठीक है, अंदर का कोसा बाहर का कोसा पता नहीं, अभी दो भी एकदम इधर पड़ा, ठीक है, अभी ये बाहर का हो गया, ये अंदर का हो गया, ठीक है। पानी जाके फुल जाम हो गया, ये भी थोड़ा दो फुल शेक हो गया, ये भी इसको देखेंगे रेडी हो गया तो फुल जागे 100% जागे, दो आवाज़ हो क्र कर आवाज़, ये देखेंगे वो, ये तो फुल चलेगा दोस्तों, इसमें तो आवाज़ हाथ में वाइब्रेट कर रहा है, फिराने से दोगा दिखाता हूँ आपको भी, देखिए आवाज कैसा आ रहा दोस्तों। ये तो हम एडजस्ट नहीं कर सकते, कौन सा वाला बेरिंग है मालूम है, राइट सीट का बेरिंग है, ठीक है। आपको ये सिंगल बेरिंग ज्यादा जाएगा, दो बेरिंग जो रहता है ना वो नहीं जाएगा, देखो अभी राइट सीट का बेरिंग है, आपको समझ लेना चाहिए, राइट सीट का बेरिंग एडजस्ट नहीं करना, बदला देना, ठीक है। देखो बहुत है, बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा, ठीक है, इसे जाम हो रहा, मैं पहले भी बताया था राइट सीट का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। इसको ये एडजस्ट करते हैं, आराम से ग्रीसिंग करके डालते हैं, आवाज देखो इसमें भी सुना है, स्पीकर में देख लीजिए आवाज कैसा आ रहा है, इसमें भी आवाज आ रहा, मगर दोनों बदलेंगे, कौन सा भी एक एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बेरिंग को धोया नहीं मैं, ये तो रेड सीट का है, भूल जाके है, ठीक है, बाद में और एक बेरिंग धो के हूँ, इसमें भी थोड़ा आवाज आ रहा, मगर आयलिंग करे तो ग्रीसिंग चलेगा, दो इसमें तो ज्यादा आवाज, ये तो डालना ही नहीं, ठीक है। अभी ये है, अच्छा है, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम ग्रीसिंग करेंगे, इधर देखो इसको क्या करेंगे, ग्रीस थोड़ा आयल डालेंगे, पहले इसको दो ड्रॉप आयल डालेंगे, थोड़ा बहुत जल्दी फ्री होता, देखो दोस्तों मस्के के सका है एकदम बेरिंग, बहुत अच्छा है, ठीक है, इसको अच्छा वाला डालना ग्रीस से, एक पुराना डाल के दोनों नवा डालता हूँ, ठीक है। इसका बेरिंग का नंबर भी बताता हूँ और फ्रंट व्हील बेरिंग का नंबर भी बताता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ फ्रंट व्हील बेरिंग का, फ्रंट में भी टायर चेंज करना में, ठीक है, वो भी डालता हूँ। मारना चाहिए, मार रहे तो अंदर चले गए, ठीक है। बाद में इसका पैकिंग, एक ये पैकिंग डालना जरूरी है, ठीक है, पैकिंग डालने को सब वाखा नहीं है, ठीक है, आराम से बैठ जाता, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी देखिए दोनों बेरिंग लेके आया हूँ मैं, एक एस्केप का ले लगाया हूँ, क्यों तो एस्केप का एक ही चेक था उसका, उसके पास थे, ये आके राइट साइड में डाल देंगे, क्यों बोले ये कॉस्टली है ये, ठीक है, ये राइट साइड में डाल देंगे, इसको भी थोड़ा ग्रीस डालना पड़ेगा, आप ऐसे ही मत डालो, ठीक है, ये पैकिंग आयल सील काट लो, इसको थोड़ा कम रहता ग्रीस से, और भी हमें थोड़ा ग्रीसिंग करना पड़ेगा, क्यों बोले तो ये फिर आपको
मेरा गाड़ी का बेयरिंग 40,000 किलोमीटर चल के ना, उसके लिए डालना पड़ेगा गैस। ये HTS का ये को भी थोड़ा ग्रीस डालना पड़ेगा। देख ले दोस्तों, सेम है बेरिंग, देख लीजिए, ठीक है, सेम है। हाँ तो इसमें तो ग्रीस ही है। ओके दोस्तों, ये राइट साइड में मार लेंगे, ये वाला राइट साइड मार लेंगे, ठीक है, ये दोनों बेरिंग एक साइड मार लेंगे। ये दोनों एक सीट मार लेंगे, ये दोनों भिरका देंगे गुजरी पे, ठीक है, ये दोनों कोई काम के नहीं। देखो इसको भी थोड़ा ग्रीस डाल लो, अब ग्रीस डाले तो थोड़ा अच्छा रहता है, फिर खोलने की जरूरत नहीं रहती है आपको। आयल सेल में ग्रीस रहा तो अब इसके अंदर बुश बैठ जाता है, इधर से ग्रीस बाहर भी नहीं आएगा, अंदर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। इधर बुश बैठ जाता ना, उसलिए इधर ग्रीस डाल दो थोड़ा। हो गया, राइट साइड का बेरिंग हो गया, अभी लेफ्ट साइड का बेरिंग डाल देंगे। लेफ्ट साइड का दोनों आता ना, यही इंपॉर्टेंट है, आप कैसा डालते हैं कैसा नहीं डालते वो मेरे को पता नहीं है, आपको देख लो। अब ये काम करो, ये पुराना वाला है ना, मैं अंदर डालता हूँ, क्यों बोलो तो अंदर तो वेट कम रहता ना। इधर लेफ्ट साइड का जरा डुबा दो, ठीक है, ग्रीस डाल दो, ये बुश पहले डाल दो अंदर, ठीक है, अंदर अंदर की इसमें बैठ जाता वो, लेकिन मारने से वो चाटमटी करती, देख के मार लो आराम से जाएगा, ठीक है। तो ये सीट का बेरिंग का थोड़ा प्ले कम रखा, टाइट नहीं जा रहा, स्लो जा रहा, ये आराम से जा रहा है, क्यों बोले तो दो बेरिंग है ना, निकलने में दिक्कत हो जाए करके कंपनी वाला फ्री दिया। देख लो अंदर बुश, दिखाओ से अंदर, यहाँ अंदर देख लो बुश क्लीन से, आपको आर पार में बैठना चाहिए, तो आराम से जाता, ठीक है। मारने के बाद आवाज चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया तो आपको समझ लो बेरिंग बैठ गया हमारा ठीक से। अभी जो हम स्टार्टिंग मारते हैं आवाज चेंज आता, फिर हम अंदर जाके फुल प्रेस हो गया तो फिर आवाज चेंज होता, ठीक है। इसको भी थोड़ा ग्रीस डाल देंगे, ठीक है, अंदर रहता आराम से, दोनों ग्रीस बेरिंग को बात करके आराम से काम करता वो। हो गया दोस्तों, फिर से इसको आयल सील को अच्छे से साफ करके फिर भी ग्रीस डाल देंगे दोस्तों। क्यों बोले तो इसका इतना ग्रीस का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, तो बैटरी का गाड़ी है ना, बैटरी मोटर के साथ फिर रहेगा, ये ढकलने से गाड़ी मोटर के साथ फिरने से क्या होता, टाइट पकड़ता ना थोड़ा, उसलिए ग्रीस का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये ही है बेरिंग कैसा बिठाते हैं, बेरिंग को कैसा चेंज करते हैं, आपको प्रिंट प्रिंट बता चुका हूँ मैं, ये बेरिंग में कितना डैमेज है, ये बेरिंग में कितना डैमेज है करके, ठीक है, कौन सा बेरिंग किधर डाले हूँ, कौन सा राइट सीट को ओरिजिनल डालना पड़ेगा एस्केप का, ठीक है, वही डालना अच्छा रहा तो बहुत चले गया बेरिंग है, ये बेकार का हो गया, ठीक है। ओके, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, अभी व्हील फिट करने का वो भी दिखा होता हूँ, ठीक है। देखो दोस्तों, ये इतना बड़ा गैप है इसको, ये गैप रहने से वो बेरिंग को ये बेरिंग को जाके टच होएगा ये, ठीक है, मालूम ना, लेफ्ट साइड में बड़ा वाला बुश, राइट साइड में छोटा वाला बुश, अब डाल के कितना फ्री है व्हील देखेंगे वो भी, ठीक है। इधर साइड करके जस्ट आपको ऐसा बिठा लेना, ठीक है, आपको यहाँ डॉट आएगा, डॉट में बैठ जाएगा ये, ठीक है, कुछ ऐसा बिठा लेना। आपको फिर से एक बार इसको ग्रीस लगा देंगे, फिर अपना फ्यूचर में काम आएगा ये, खोलने के अच्छा रहता, साफ रहता। बिठाने जा रहा हूँ, किसी की मदद नहीं, सो मैं वंटी बिठा रहा हूँ दोस्तों।
क्लीन से बैठना चाहिए, ठीक है। देखो आ गया एक्सेल, ठीक है। अभी बिल कितना फ्री है देखेंगे, अभी दिखाता हूँ। देखो दोस्तों कितना फ्री है, देखो दोस्तों व्हील, बेल्ट तो नहीं डाले, अभी बेल्ट नहीं डाले, लेकिन आपको व्हील का बेयरिंग बोल रहा हूँ, मैं बेयरिंग की बात कर रहा हूँ, बेल्ट नहीं डाले। इधर आ जाओ, दिखेंगे कितना फ्री है, मैं बेल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली व्हील की बेयरिंग की बात कर रहा हूँ। देखो कितना, थोड़ा भी आवाज़ नहीं आ रहा, ठीक है। अगर इतना अच्छा हो गया ना काम, हमको एक भरोसा, अरे अच्छा है हमारा गाड़ी, व्हील बेयरिंग सब अच्छा है करके, ठीक है। बेल्ट कैसा होते हैं देखेंगे इसको। हाँ दोस्तों, बेल्ट कुछ भी नहीं करना आपको, बेल्ट अच्छा रहा तो। देखो इधर देखो, देखो बेल्ट को कुछ भी नहीं करना, बेल्ट बराबर है, बेल्ट में थोड़ा भी आवाज़ भी नहीं आता था मेरे को, ठीक है। बेल्ट एकदम सही है, बेल्ट को मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, अभी इसको लॉक कर रहा हूँ बस। इधर से दोस्तों लाइक कर लो, सक्सेसफुल अच्छा रहा तो, ठीक है। देखो अभी कितना फ्री भी है, देखो बेल्ट भी डाल गया हूँ मैं, देखो कितना अच्छा है, देखो अभी एकदम मस्के किस तरह हो गया, ठीक है। ये तो आपको सभी लोग को आता होगा फिट करने का कैसा करके, बेयरिंग का देखिए आपको वीडियो, देख अच्छा रहा तो लाइक करना भूलो ना को, ठीक है। अभी क्या दोहराता हूँ, मेरे को कमेंट्स करो, बताता हूँ, ठीक है। हाँ बेयरिंग का वीडियो बहुत पसंद आया मेरे को तो, बेयरिंग तो जा गया, खुशी होगी बेयरिंग की तो। मेरे को एक मन में डाउट था क्या करूँ, बेयरिंग का प्रॉब्लम है ना, चक्कर लेंगे एक बार को, मेरा डाउट था, आज मेरा डाउट क्लियर हुआ, आपका भी डाउट क्लियर हो जाता इंशाल्लाह। आप भी लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ओके बाय।